नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव राव। डीएलएड के पर्यावरण अध्ययन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक की भूमिका, बच्चों के संसार को विस्तार कैसे प्रदान किया जाए। यह सब हम जान ही चुके होंगे कि पर्यावरण अध्ययन को अन्य विषयों की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें केवल पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इसमें अध्यापक के साथ साथ अधिगमकर्ता को भी बहुत सक्रिय रहने की आवश्यकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमें अपने आप को पुनः परीक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम कभी भी ऐसा मौका ढूंढते ही नहीं जहाँ पे हम ये सोचें कि हमने जो आज पढ़ाया है वो और क्या बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता था। और हमें कभी ऐसा भी नहीं लगता कि हमने जो पढ़ाया है उसको अगर हम ऐसे पढ़ाते तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता। पर्यावरण अध्ययन में यह हमें ज़रूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर बार बच्चों के बदलने से, बच्चों के हर बार अलग ज्ञान बोध होने के कारण से, अलग अलग अनुभव होने के कारण से, उनके अधिगम में वह दर प्राप्त नहीं हो सकती हमें जो हम वांछित रूप से चाहते हैं। और अगर हम ये कर पाएंगे तभी हमारे शिक्षण में और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में गुणवत्ता प्राप्त हो सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ज्ञान दाता नहीं बनना है, अपितु तो बच्चों की सोच एवं समझ बढ़ाने का काम करना है। अच्छा सोचिए, होता क्या है क्लास में, हम क्लास में गए, हमने पुस्तक खुलवाई और पुस्तक पढ़वाना शुरू कर दिया, लेकिन जब हम पढ़वाना शुरू करते हैं हम क्या पूछते हैं कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कोई क्या जानता है। हम शायद इतने थके हुए होते हैं, हमारे पास इतने घंटों की पढ़ाइयों का बोझ होता है कि हम ये करते ही नहीं, और हम बच्चों की सोच को बढ़ाने की बजाय और उनकी सोच को समझने की बजाय हम जो कुछ हम चाहते हैं पढ़ाना वो पढ़ाने को तैयारी शुरू कर देते हैं और वहीं से हमारी परेशानी शुरू हो जाती है। हमें इस भूमिका को ध्यान रखना है कि हमें बच्चों की सोच एवं समझ को बढ़ाना है। अधिगम को अगर बढ़ाना है तो हमें बच्चों के अनुभवों को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा सोचिए, अनुभवों को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। सबसे पहले उनको मौका दीजिए। मौका दीजिए किस चीज़ का? देखने का, सूंघने का, सुनने का, खाने का, पकड़ने का और सोचने का। देखें बच्चे एक गुलाब के फूल को, एक गोभी के फूल को, सूंघ करके देखें एक देसी गुलाब का फूल कैसा महकता है, सुने किसी भंवरे की आवाज़ जो उस फूल पे घूमता है। गुलाब के पत्तियों को आप खाने को भी कह सकते हैं, बच्चों को खा करके देखें वो कैसा स्वाद करता है। उसकी पत्तियों को पकड़ने को भी आप कह सकते हैं, पकड़ने से उनके अंदर क्या होता है यह जानने की ज़रूरत है। और सोचें कि गुलाब और कितने रंग का होता है, हमारे घर में कौन सा गुलाब है, उनको बताने को बोलिए। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो यह हम बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को ध्यान में दे करके कार्य करवा रहे हैं। आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। और क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक और स्तर तक जाता है इसलिए हम उसके मस्तिष्क को भी ध्यान दे रहे हैं। अगर अनुभवों को बढ़ाने के लिए हमें और कुछ करना है तो हम एक और स्तर आगे बढ़ते हैं, छानबीन करवाकर। छानबीन कैसे करवाया जा सकता है? देखी गई वस्तु को, सुनी गई वस्तु को, चखी गई वस्तु को, छुई गई वस्तु को और ज़्यादा बच्चों के द्वारा व्याख्या करवा करके। अच्छा जैसे कि गुलाब आपने देखा तो क्या आपने और भी गुलाब देखे हैं? आप दो गुलाबों में या दो फूलों के बीच में दिखा करके अंतर करवा सकते हैं, उनसे छानबीन करवा सकते हैं कि इनके रंगों में क्या फ़र्क है। आप विभिन्न स्वादों को कहने को उनको बता सकते हैं। आप छुई हुई वस्तु को उनको कह सकते हैं यह बताने के लिए कि कौन सी मुलायम है, कौन सी चिकनी है, किसका रंग आँखों को अच्छा लगता है। यह उनके अधिगम को बढ़ाएगा।
न केवल अधिगम को बढ़ाएगा, वह उस वस्तु, व्यक्ति, जानवर के प्रति भी उसकी जो एक भावात्मक संवेदना है उसको भी बढ़ाएगा। एक अध्यापक को मूलतः इसी भूमिका को प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में। अगर हमें खोज में मदद और दिशा प्रदान करनी है तो हम उसको क्या वह देख रहा है, क्या वह खा रहा है, क्या उसने स्पर्श किया है, उत्तर ले सकते हैं। क्यों उसको लाल लगा, क्यों उसको खट्टा लगा, क्यों यह मीठे से अलग है, क्यों ये गोभी का फूल है, क्यों ये गुलाब का फूल है, यह पूछ सकते हैं। कैसे? बच्चे के अपने अनुभव होते हैं और बच्चे के अपने अपने तर्क होते हैं। इन तर्कों को सुनिए। आप समझिए कि बच्चा इसको पीला क्यों बोल रहा है, क्या बच्चे ने इसी फूल को ऐसे ही देखा है। आप बच्चों को अलग अलग रंगों की, स्वादों की खोज के लिए प्रयास करें कि वो अपनी तरफ से सहमति प्रदान करें, वो आगे बढ़े। आपको असल में करना ये है कि वह अपने अनुभवों के साथ में नए ज्ञान का निर्माण कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पास अपना अनुभव होता है। आपको अनुभव बढ़ाना भी है और उस अनुभव के साथ में नए ज्ञान का निर्माण भी कराना है। जब आप यह करते हैं तब बच्चा अपने अनुभवों के साथ साथ नए ज्ञान के निर्माण को भी करता चलता है। यह संरचना भी कहलाती है और जैसे जैसे बच्चों की संरचना बढ़ती चली जाती है उनके ज्ञान का विस्तार होता चला जाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप कुछ बच्चों को दे रहे हैं जो मेरी ही कक्षा के विद्यार्थी थे। वह बहुत डर रहे थे कि नहीं सर, हमसे कुछ नहीं बनता, हमने आज तक कोई ड्राइंग नहीं बनाई, हम कलर तो जानते ही नहीं हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, साधारण सादे पन्नों को लिया, अपने पास से जितने भी रंग, जितने प्रकार के रंग, मोम के हों, पेंसिल कलर हों, वाटर कलर हों, सब उनके सामने बिखेर दिए और उनको आधे घंटे का समय दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, दो तीन चार लोगों को बनाते देख करके वो लोग जिन्होंने आज तक कभी ब्रश नहीं पकड़ा था उन्होंने रंगना शुरू कर दिया और उन्होंने खुद से कमल का फूल, सूरज का फूल, भले ही वो बहुत अच्छे नहीं थे, कठिन नहीं थे, उच्च कोटि के नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनके दिमाग में जितनी भी छाया थी उसको बनाने का प्रयास किया। एक अध्यापक की भूमिका में हमको केवल इतना ही करना है, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में जितनी भी बातें हैं जो कि शायद ही वो कह नहीं पाते, वो बता नहीं पाते, उनको हमें अवसर दे करके अपने अनुभवों के साथ में नए ज्ञान को बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपको करना क्या पड़ेगा? पर्यावरण शिक्षण में एक जो बहुत बड़ी बात करनी पड़ती है वह होती है सहपाठी बनने की। सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला। साथ में पढ़ने वाला मतलब कक्षा में अध्यापक बताने वाला होता है, पढ़ने वाला नहीं होता। आपको ये भूमिका बदलनी होगी। आपको एक विद्यार्थी के रूप में बच्चों के साथ में पढ़ना, सीखना और करना आरंभ करना पड़ेगा। इस भूमिका को आप एक बार करके देखिए, बड़ा मज़ा आता है। सहपाठी बनने से आपके अंदर जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा की जो संप्रत्यय है उसका विकास होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बच्चों के साथ में बैठ के ड्राइंग बनाना पसंद करते हैं? आप एक बार बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा परेशानी होता है लेकिन उनके साथ में बनाते वक्त बहुत अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं एक चित्र जिसमें मैं खुद बच्चों के साथ में कैसे सहपाठी बनते हैं वह प्रदर्शित कर रहा है। ज़्यादा महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मैं कैसे आराम से बच्चे की उंगली में धागा बांध रहा हूँ। आप ध्यान दें, जिस बच्ची की उंगली में मैं धागा बांध रहा हूँ उसके अगल बगल की बच्चियाँ कितने ध्यान से मुझे उसकी उंगली में धागा बांधता हुआ देख रही हैं। बच्ची जिसकी उंगली में मैं धागा बांध रहा हूँ वह सूरज है। सूरज वह जो ऊर्जा का स्रोत होता है इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए ख़ास तौर पे, मैं उसकी उंगली में एक धागा बांध रहा हूँ जो मैं आगे अपनी क्रिया में प्रयोग करूँगा। और मैं खुद में इन
मानव की तरह की भूमिका निभा रहा हूँ और जितने बच्चे बैठे हुए हैं वह अलग अलग पृथ्वी के पर्यावरणीय संप्रत्यय हैं। जब आप बच्चों के अधिगम में बताने सिखाने रटाने की प्रवृत्ति को छोड़ करके उनके साथ सीखने अनुभव करने और खुश रहने को सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। प्रयास आपको यही करना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों के संसार को विस्तार प्रदान करने की। ऐसा माना गया है कि भले ही पर्यावरण अध्ययन में बहुत सारे संप्रत्यय हों, बहुत सारे विषय हों, लेकिन कुछ विषय कुछ संप्रत्यय जिनको हम लोगों ने चयनित किया है, जो पर्यावरण शिक्षा में हम प्राइमरी स्तर पर प्रयोग करते हैं, वह है परिवार और मित्र, जो कि हमारे अधिगमकर्ता के सबसे पहले वो लोग होते हैं जो उसको उसके पर्यावरण के बारे में बताते हैं और वो खुद सबसे पहला पर्यावरण उनका होते हैं। फिर अगर दाहिनी तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो वह है आश्रय। आश्रय मतलब वह घर जहाँ पे वह रहता है। वह कच्चा है, पक्का है, ईंटे का बना हुआ है, छप्पर है, वहाँ पंखा है कि नहीं है, यह ऐसे कुछ मानव निर्मित या प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनको वह अपने आसपास देखता है। उस घर में वह खाना खाता है, वह भोजन में क्या क्या खाता है, भोजन के कौन कौन से अंग हैं, वर्ग हैं, वह भी वहीं से ही वह सीखता है और जानता है और पहचानता है। भोजन को बचाना है, कैसे खाना है, कैसे प्रयोग करना है, वह सारी चीज़ें परिवार और मित्रों के साथ में बैठ करके उस घर में रह करके सीखता है। वह परिवार अपने इष्ट मित्रों के साथ में यात्रा भी करता है। यात्रा को यहाँ पे प्रयोग करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ज्ञान का विस्तार करना है और बच्चों की उनके अनुभवों को बढ़ाना है तो यात्रा और भ्रमण एक ऐसा अंग है, क्रिया है, जिससे वह अपने आप को भी ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनके मस्तिष्क में कई ऐसे बातें होती हैं जो वो सुनी हुई करते हैं, लेकिन जब वो सच में देखते हैं तब वो समझते हैं कि कैसे जो चीज़ उन्होंने सोची थी, जो उनको बताई गई थी, वो उससे बिल्कुल अलग है जो वो अपनी आँखों से देख रहा है। जल, वायु और भूमि कुछ ऐसे संप्रत्यय हैं जो प्राकृतिक देन हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। यह भी उन संप्रत्ययों में से हैं जिनको कि यह माना गया है कि बच्चों को बताना, समझाना और उनका अनुभव देना बहुत आवश्यक है। सबसे अंत में या सबसे आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात रह जाती है वह यह है कि कैसे इन संप्रत्ययों के साथ में हमारा सहसंबंध है। सबसे मूल बात यह है कि हम कई वस्तुओं को बनाते हैं और करते हैं जिनसे हमारा आश्रय, भोजन, यात्रा और जल सभी प्रभावित होते हैं। इसको भी समझना और समझाना बहुत आवश्यक है हमारे बच्चों को बताने के लिए। अगर हम अपनी प्रतिदिन की अनुभव की असली कड़ियों को देखें तो घर के बिल्कुल पास में मोहल्ले और आस पड़ोस एक बेहद ही प्रभाव करने वाली क्रिया होते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, मोहल्लों में और आसपास में हम लोगों से मिलते हैं, हम उनसे बात करना सीखते हैं, हम उनको विभिन्न संबोधनों से बुलाते हैं, हम बड़ों का आदर सम्मान आदर सूचक शब्दों से प्रयोग करते हैं, हम लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं और हम अपने दोस्तों को हाय हेलो करते हैं। यह जो संप्रेषण है वह भी हमारे अंदर हमारे पर्यावरण से आता है। वह हमारे बच्चों के ज्ञान को विस्तार देता है। ज्ञान के विस्तार को देने के लिए पर्यावरण की ये सारी ही चीज़ें और अंग बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि हमने देखा था कि परिवार और मित्र, आश्रय, भोजन, यात्रा और जल, ये सभी चीज़ें हमारे बच्चों में विभिन्न मूल्य अभिवृत्तियों को विकसित करने के लिए अति आवश्यक हैं। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु विषयों औपचारिक शिक्षा की दीवारों को समाप्त करती है। जैसा कि इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाएं, इतिहास और भूगोल और नागरिक शास्त्र, यह कुछ ऐसे विषय हैं जो भले ही पर्यावरण शिक्षण एक एकल विषय के रूप में हम
प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हों, परंतु इन विषयों के विभिन्न प्रत्यय विभिन्न रूप से विभिन्न विषयों में या विषयों के संप्रत्यय हमारे पर्यावरण में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे जल। जल का अपना विज्ञान होता है, जल को विज्ञान में भी पढ़ा जाता है, कैसे उसका शोधन होता है, क्या उसका रासायनिक अभिक्रिया होती है, वह सब विज्ञान में पढ़ते हैं। अब अगर हम जल को भूगोल में कैसे पढ़ते हैं इसको समझने का प्रयास करें, तो जल पृथ्वी में कहाँ कहाँ पे है, किस किस मात्रा में है, वह किस प्रकार का है, वह सब हम भूगोल में पढ़ते हैं। अगर हमें यह पता करना हो कि विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न समय कालों पर जल का हमारा समाज कैसे प्रयोग करता रहा है, वह हम अपने सामाजिक अध्ययन में अध्ययन करते हैं। और फिर सबसे ज़रूरी बात जो हम अपनी भाषा में करते हैं, ऐसी कोई पुस्तक नहीं, ऐसे कोई व्याख्यान नहीं जहाँ पे जल को हम लोग विभिन्न रूप से प्रयोग ना करते हों। बिना पानी के हम मानते हैं कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, सब कुछ सूना होता है। वास्तविक अनुभवों की चर्चा करना बच्चों के ज्ञान विस्तार को करने के लिए अति आवश्यक होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यह करने से उनके अंदर संबंध स्थापित करने की चेष्टा होती है और वह इन अनुभवों को जोड़ पाते हैं। वास्तविक अनुभव अगर देखा जाए तो हर एक अधिगमकर्ता के अलग अलग होते हैं। हमें मौका देना चाहिए हर एक बच्चे को अपने अपने अनुभव को बताने का। जैसे हमने अभी पढ़ा जल के बारे में, आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि अपने घर के आसपास जल के स्रोतों को बताओ। वह बता सकते हैं कि उनके घर के आसपास हैंडपंप है, वह बता सकते हैं कुआं है, वह बता सकते हैं अरे सर मैं तो तैरता भी हूँ, इसका मतलब वह बता रहे हैं उनके घर के आसपास नदी या नहर है। इन अनुभवों को जब आप प्राप्त करते हैं तब आप बता सकते हैं उनको कि हम किस प्रकार से निर्भर करते हैं जल के विभिन्न स्रोतों पर। बच्चे संबंध स्थापित कर पाएंगे इन सभी जल की वस्तुओं पर या जल के स्रोतों से। वास्तविक जीवन अनुभव से संबंध स्थापित करने पर जीवन पर्यंत अभिवृत्तियों एवं मूल्यों का विकास होता है। जैसा कि अभी हमने उदाहरण लिया जल वाला ही, अगर जल को हमें संचित करना है तो हमें सबसे पहले बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्तियाँ लानी होगी। जल को जब तक हम मूल्यों से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम जल अथवा ऐसे सभी प्राकृतिक वस्तुएं या कारक या संप्रत्यय जिनका ह्रास हो जाने पे दोबारा उनको जब नहीं बनाया जा सकता तो उनके साथ में हमें मूल्यों को जोड़ना अति आवश्यक है। जल उतना ही प्रयोग करो जितना ज़रूरत है। हवा को दूषित मत करो क्योंकि वह हमारे अलावा सबके पास में जाती है। इन सकारात्मक अभिवृत्तियों को डालने और मिलाने के लिए और मूल्यों का विकास करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। मूल्यों का विकास पर्यावरण संरक्षण की प्रतिक्रियाओं एवं व्यवहारों का विकास एवं पोषण करता है, क्योंकि अगर हम मूल्यों का विकास नहीं करेंगे तो बच्चे के ज्ञान का विस्तार नहीं होगा इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में अगर हम बच्चों के मूल्यों का विकास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पर्यावरण संरक्षण में हमें अन्य क्रियाओं को करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। स्वतः ही उनके व्यवहारों में जो परिवर्तन आ जाएगा उससे हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अगर हम फिर से देखें तो आज हमने जाना कि हम अध्यापक के रूप में किस प्रकार से अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन विषय किसी और अन्य विषय की तरह नहीं होता तो इसको बिल्कुल भी वैसे नहीं पढ़ाया जा सकता जैसे कि हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब हम यह करेंगे तब हम पाएंगे कि हमें अपनी भूमिका को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जब हम यह करेंगे तो हमारे शिक्षण की गुणवत्ता स्वतः ही बढ़ेगी। हमें यह मानना पड़ेगा कि हमें ज्ञान देने वाला नहीं बच्चों की सोच व समझ को बढ़ाने वाला बनना है। हमने यह भी जाना कि अनुभवों को बढ़ाना चाहिए। अनुभवों को बढ़ाने के लिए हमने बात किया हमें बच्चों को मौके देने हैं। मौके देने हैं किस चीज़ के? देखने के, सुनने के,
सुनने के, खाने के, पकड़ने के और सोचने के। छानबीन करवा करके भी हम उनके अधिगम को बढ़वा सकते हैं, जैसे उन्होंने जो भी देखा हो, सुना हो, चखा हो, स्पर्श किया हो, उससे उस चीज़ को देखने, खाने और चखने के बाद पूछें कि वह कैसा अनुभव कर रहे हैं, उनसे उस संप्रत्यय के प्रति अंतर्दृष्टि लें। आप उनसे क्या, क्यों और कैसे पूछ सकते हैं, जिससे कि उनके दिमाग में खोजी प्रवृत्ति हो और तर्क शामिल होता चले, जिससे कि वह नए अनुभव का निर्माण कर सके और नए ज्ञान स्वतः अपने उनके मस्तिष्क में आ सके। आपको सहपाठी बनना पड़ेगा और सहपाठी जब आप बनेंगे तब आप अपने जीवन में हमेशा अधिगम के लिए सोचेंगे और बढ़ेंगे। हमने यह भी बात किया कि हम बच्चों के किन संप्रत्ययों को ध्यान में रख करके उनके अंदर विभिन्न अभिवृत्तियों और मूल्यों का विकास कर सकते हैं, जिनमें परिवार और मित्र, आश्रय, भोजन, यात्रा, जल और विभिन्न वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मोहल्ले और आस पड़ोस हमारे इन मूल्यों को बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। हमने यह भी माना कि हमारा जो पर्यावरण विषय है वह विभिन्न विषय जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाएं, इतिहास और भूगोल एवं नागरिक शास्त्र जैसे विषयों से मिला जुला हुआ है। वह एक विषय के रूप में पढ़ाया भले ही जाता हो, लेकिन वह सब चीज़ें अपने अंदर सम्मिलित रखता है। इससे अनुभव बढ़ते हैं, अनुभवों को साझा किया जा सकता है और जीवन पर्यंत प्रयुक्त होने वाले अभिवृत्तियों और मूल्यों का विकास हो सकता है। उन मूल्यों के विकास के हो जाने से पर्यावरण का संरक्षण की क्रियाओं को करना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ अध्यापक की भूमिका में आप हम सभी का नाम रोशन करेंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। नमस्कार।